नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। रोको टोको अभियान के तहत आज शुक्रवार को नायब तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य ने बिना मास्क पहने लोगों को पकड़ा। कार्रवाई करते हुए भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की 100 रुपए की रसीद काटी और 100 रुपए की रसीद काटने पश्चात उन्हें मास्क दिया। हिदायत दी कि बिना मास्क पहने ना निकलें। पिछोर बस स्टैंड पर नायब तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य के नेतृत्व में राजस्व टीम और पुलिस टीम ने अभियान चलाया। वहां से निकल रहे बिना मास्क वालों को रोका गया, 100 रुपए की जुर्माना वसूला, कार्रवाई की गई, करीब 50 से अधिक रसीद काटी गई। दरअसल इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर मास्क लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डबरा से संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। विभागीय अधिकारी अनुराग निंगवाल ने श्रद्धालुओं की चलो त्रिराशि की गिनती करवाई हुई शुरू, जिसमें सुबह के 10 बजे से शुरू हुई गिनती शाम 6 बजे तक भी नहीं हो पाई। आज सेवड़ा एसडीएम रतनगढ़ माता मंदिर पर पहुंचकर नए तरीके से किया साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था। साफ सफाई अन्य कई समस्याओं का निरीक्षण कर कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किए। संबंध में जब मीडिया ने उनसे चर्चा की तो उन्होंने बताया कि यहां पर पेयजल व्यवस्था दृष्टिगत की गई है और हम रतनगढ़ माता मंदिर पर प्लास्टिक पूरी तरह बंद करने जा रहे हैं। जैसा कि कुछ लोग आते हैं और मन्नत के रूप में प्लास्टिक कपड़े बांध जाते हैं, उसको अब हम पूर्ण रूप से बंद कर रहे हैं। आपको बता दें, सफाई के लिए 20-20 कर्मचारी सेवड़ा और इंद्रगढ़ परिषद से लिए जाएंगे। माता रतनगढ़ पर सफाई के अलावा उन्होंने बताया कि गर्मियों के दिनों में जो दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए रतनगढ़ समितियों के द्वारा 7 वाटर कूलर अलग अलग पॉइंट पर रखे गए हैं। इकतीस मार्च को सेवानिवृत्त हुए 3 पुलिस कर्मियों का शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विदाई समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने सेवानिवृत्त हुए कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक मोहनलाल अड़जरिया, कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक चंद्ररूप कुशमाकर और आरक्षक राजकुमार सिंह चौहान का माल्यार्पण कर शॉल शीफर और शील्ड प्रदान कर सम्मान किया, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान रक्षित निरीक्षक रविकांत शुक्ला सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। घर से भागे युवक युवती को कुछ हिंदू संगठनों की सूचना पर डबरा स्टेशन से उस समय गिरफ्तार किया जब वे अपने घर से भागकर मुंबई के लिए जा रहे थे। दरअसल मामला इस प्रकार बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी प्रेमी युगल आसपास में पड़ोसी बताए जा रहे हैं। लड़की हिंदू और लड़का मुस्लिम है। ये लोग अपने घर से भागकर पंजाब मेल से मुंबई जा रहे थे। इसकी सूचना कुछ हिंदू संगठनों को मिली तो उन्होंने इसे लव जिहाद का मामला बताकर अपने संगठन के लोगों को इसकी जानकारी दी। जैसे ही ट्रेन डबरा स्टेशन पर रुकी तो हिंदू संगठन के डबरा इकाई के लोगों ने काफी प्रयास के बाद उन दोनों को उतारा। लड़का लड़की ने अपनी मर्जी से भागकर शादी करने की बात बताई, साथ ही दोनों ने अपील बालिग होने की बात कही। फिलहाल पुलिस दोनों के परिजनों को सूचित करके बारीकी से पूछताछ कर रही है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज पर प्रवास के दौरान पहुंचे दतिया, राजघाट निवास आमजन की सुनी समस्याएं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल संसदीय कार्य विधि विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार की सुबह दतिया राजघाट निवास पहुंचे। आमजन पहुंचे अपनी अपनी समस्याएं लेकर। मध्य प्रदेश शासन की गृह जेल संसदीय कार्य विधि विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राजघाट निवास पर आमजन की सुनी एक एक कर समस्याएं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने समस्याओं के निराकरण के लिए सभी को दिया आश्वासन और कहा जल्द से जल्द ही आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। कुछ लोगों की समस्याओं का तुरंत निराकरण किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधोलिया, अतुल भूरे चौधरी, प्रवीण पाठक, युवा भाजपा नेता गण, कार्यकर्ता और आमजन रहे बड़ी संख्या में उपस्थित। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया जिले में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। दतिया से संवाददाता अंकित जैन की रिपोर्ट।
ग्रीष्म ऋतु आते ही गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दतिया जिले में आगजनी की घटना है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ताजा घटनाक्रम के अनुसार स्थानीय सेवड़ा चुंगी के पास चिरई टोर बाईपास रोड पर बने दो मकानों में अचानक आग लग गई, जिससे मकान में झोपड़ी पूरी तरीके से जलकर स्वाहा हो गई। आग लगने से झोपड़ी में रखी एक मोटरसाइकिल भी जलकर नस्ता नाबूद हो गई। साथ ही साथ इस आग की घटना की जानकारी नगरपालिका के अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं पहुंच सकी है, जिसके चलते आग ने पूरी तरह से झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। यह आग की घटना चिरई टोर बाईपास रोड पर लगी, जिसमें स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, किंतु आग इतनी भीषण थी कि पलक झपकते ही दो झोपड़ी जलकर राख हो गई। इसमें मकान मालिक का काफी नुकसान होना बताया जा रहा है, जिसमें एक मोटरसाइकिल भी शामिल है। संगम कुशवाहा की खास रिपोर्ट। दतिया व्यापारी वर्ग ने बाजार की समय सीमा बढ़ाने के लिए राजघाट में भाजपा के गृह मंत्री से की मुलाकात। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दतिया जिला कलेक्टर ने बाजार खुलने की समय सीमा निर्धारित कर दी थी। अभी दतिया शहर का बाजार सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलता है, जिसको लेकर आज शुक्रवार की सुबह दतिया व्यापारी वर्ग ने गृह मंत्री के राजघाट के पर पहुंचकर बाजार का समय 8 बजे की जगह 10 बजे तक करने की व्यापारी वर्ग ने गृह मंत्री से निवेदन किया। और ये भी कहा, सभी व्यापारी वर्ग शासन की गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए शासन की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारीगण और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। दतिया से संवाददाता अंकित जैन की खास रिपोर्ट। जनता की आवाज़।